Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. वो सिंपल सा मैंने ये कोट पहना है आज. मैंने सोचा आज पेडिंग नहीं चलेगी भाई. और मैंने अंदर एक स्वेटर पहना है, इसके अंदर एक इनर भी है, तो मतलब पूरा गर्म, नीचे भी पूरा गर्म तैयार होके जा रही हूँ ताकि बाहर कोई ठंड ना लगे. कल ना -15 था, बहुत ठंड थी. आज पता नहीं कितनी, मैंने चेक नहीं की, लेकिन फिर भी मैं जहाँ पे जा रही हूँ थोड़ा आउटडोर भी घूमेंगे लेकिन इनडोर भी घूमेंगे घूमेंगे और मैं भी घूमना चाहती हूँ यार आप लोगों के साथ. तो चलो लेट्स गो जल्दी जल्दी. तो फाइनली वी आर इन खांगनाम. और जो खांगनाम है, कोरियन में खांगनाम कहते हैं, इंग्लिश में गंगनाम कहते हैं. गंगनाम स्टाइल जो गाना है, उप्पा गंगनाम स्टाइल, वो यहाँ का फेमस गाना है इस एरिया का. तो मैं अभी आई हूँ गंगनाम और यहाँ पे आज हम घूमेंगे फिरेंगे इंजॉय करेंगे. हर कोई मुझे देख रहा है कि कैसे कैमरा लेके और लाइव भी जा रही हूँ इधर. तो इधर मैंने मार्केट देख ली है, तो हम ना अभी उस मार्केट में जाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे. तो ओह माय गॉड, मेकअप आ गया. ये रहा सारा मेकअप. ये कौन सी ब्रांड थी यार? ये सारी मार्केट है. तो चलो अब आराम आराम से घूमते हैं. तो अभी ना मैं जाऊंगी इस दुकान पे कुछ ज्वेलरीज देखने. वाह कितने प्यारे. बाय द वे आज मैं शूटिंग कर रही हूँ गोप्रो पे, तो गोप्रो की रिजल्ट है ये. जिसको अगर गोप्रो कैमरा यूज करनी है फॉर व्लॉगिंग, अच्छे से मिलते हैं. दिस इज गोप्रो 8. दिस इज माय टुडेज ड्रेसिंग. और अभी ना मैं सोच रही हूँ यहाँ से कुछ खरीदूँ. ओह दिस इज प्रिटी. इसकी प्राइस है 9000. ये वाला लॉकेट जो है वो ले रही हूँ. हार्ट शेप कैसे दिखाऊं बैक कैमरा से? ये बहुत ही खूबसूरत है. बास्केट लेनी पड़ेगी. एक्सपेरिमेंट टाइम. ये वाला पर्स लेके आई हूँ, तो मैं खुद से दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन ये बहुत अच्छा है जो लास्ट वीडियो में दिखाया था ना. इट्स नाइस. ये वाली जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, ह्यूज साइज. तो मैं घूमूंगी फिरूंगी और आप लोगों को भी घुमाती रहूंगी. गाना चल रहा है हर जगह पे. ज़्यादा रश नहीं है आज. वैसे नॉर्मली ना ज़्यादा रश होती है, लेकिन आज इतनी नहीं है. मेरी आँखें बस इधर उधर हो रही हैं क्योंकि आई एम सुपर एक्साइटेड. कोरियन कपड़े, डायनामाइट चल रहा है. वाह वाह, ये कितना अच्छा है. यहाँ पे कोई भी उसको फ़ोटो सेंड करेंगे ना, फिर हमें ऐसे फ़ोटो फ्रेम में बना के देंगे. लेकिन ये आदमी ने, ये दुकान कौन चलाता है पता नहीं, खाली दुकान पड़ा है. देखो यहाँ पे कोई बैठना चाहिए लेकिन कोई नहीं है. कोई होता तो इधर से कुछ बनवा देती आज. अभी मैं एक बनवा रही हूँ यहाँ से, और वो सरप्राइज़ है. वो मैं आपको कुछ टाइम, कुछ व्लॉग्स के बाद दिखाऊंगी वो मैंने कौन सा बनवाया. तो फ़िलहाल मैंने ऑर्डर दे दिया है, वो मुझे मिल जाएगा थोड़ी देर में ही. तो मैंने ये वाली साइज़ जो है वो चूज़ की है, ऐसी वाली बड़ी वाली साइज़. तो ये मशीन में अभी डालेगा, 5 मिनट्स में निकल आएगी. दिस इज़ सो कूल. 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा हमें. ये मार्केट अभी लोग चल रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है. बहुत दिनों के बाद निकली हूँ यहाँ पे, और इधर बहुत ही खुशबू है रास्ते में पूरे, क्योंकि ये ना कॉस्मेटिक्स वगैरह मेकअप के बहुत सारे दुकान है ना यहाँ पे, तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है इधर वॉक करते करते, तो अच्छा लग रहा है. ये है हमारा जो सरप्राइज़ है, बाद में हम दिखाएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल ये मैंने बनवाया है. तो यू गाइस शुड वेट फॉर टू सी द रिजल्ट. नहीं खान साहब ने दा, थैंक यू. ये है राइस क्लींजर जो कि मैं खरीद रही हूँ टोनी मोली से. तो ईगो हना से चलो अभी पेमेंट करेंगे. चलो अभी हम जाते हैं लाला लव. लाला लाला ला. अभी हम इधर थोड़ा सा घूमेंगे. अरे यार बाल तो किसी मुझे ना एक वो लेना था, फाउंडेशन लेना था, लेकिन
ढूंढना पड़ेगा यार मेरे कलर के लिए कौन सा मैच करेगा। वाह ये कितना फैंसी है, तो प्यारा लग रहा है यार। मुझे गोल्डन चीज़ें बहुत पसंद है, मेबेलिन के सारे। ये वाला मैंने आज लगाया था, ये मेरे पास है, ये है लोरियल के। मुझे ना बीबी क्रीम चाहिए या फाउंडेशन, ये रहा। अभी ना बहुत भूख लगी है तो मैं सोच रही हूँ कुछ बाहर जाऊँ, कुछ खाऊँ पीऊँ, क्योंकि भूख लगी है यार और पेट में बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। तो गंगनाम जो है ना वो बहुत ही बड़ा है, गंगनाम एरिया। यहाँ पे सबवे स्टेशन के अंदर बहुत सारे एग्जिट्स हैं, तो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा हर एग्जिट से निकल निकल के कि मैं क्या खाऊँ, मुझे क्या पसंद है। तो बहुत मज़ा है इधर यार, दिल नहीं करता घर जाने का, इधर ही बस सो जाए। ये वाला बैग कितना प्यारा है, और ये वाला भी अच्छा है, छोटे छोटे बैग्स, कोरियन स्टाइल बैग्स। वैसे मैंने सोचा था कि बहुत सारी शॉपिंग करूंगी क्योंकि ये शॉपिंग स्ट्रीट है ना, लेकिन ये एरिया मेरे घर से 50 मिनट दूर है और ट्रेन में भरी पड़ी होती है रश, तो इसलिए मैं आज शॉपिंग नहीं कर रही। शॉपिंग किसी और दिन करूंगी, आज मेरा सामान उठाने का दिल नहीं कर रहा, तो आज जस्ट मैं इंजॉय करने आई हूँ, इंजॉय कर लूँ, किसी नेक्स्ट दिन बहुत सारे शॉपिंग करने आएंगे। बहुत अंदर घूम लिया, अंदर बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि हीटिंग सिस्टम है, तो इसलिए अभी ना हम लोग बाहर जाएंगे, थोड़ा बाहर से देखते हैं गंगनाम कैसा है, फेमस है बहुत, लेकिन अभी देखो कैसा है। गिरते गिरते बच गई मैं। ये है गंगनाम, वो लिखा हुआ है गंगनाम। ओह इधर बहुत अंधेरा है, क्या है यार ऐसा लगता है लाइट चली। ओह ये बहुत ही नाइट लाइफ होती है यहाँ पे, वो दिखा मैकडोनल्ड्स। ये है गंगनाम एरिया, यहाँ पे मैं पहले बहुत आती थी, यहाँ पे किसी टाइम मैंने पार्ट टाइम जॉब भी बहुत किए थे, बहुत घूमी फिरी इंजॉय किया, और अभी बहुत लंबे टाइम के बाद इधर आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना खूबसूरत है, इतने सारे लोग। अभी हमारे पास बहुत ठंड है, उसके बावजूद भी हर कोई घूम रहा है यार। ओह यहाँ पे बहुत सारे ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे फनी चीज़ जो है वो ये है कि इस एरिया में बहुत सारे ब्रांडेड शॉप्स हैं ना, लेकिन वहाँ पे कोई जाता नहीं है, सारे जो शॉप्स वगैरह है वो खाली पड़े रहते हैं क्योंकि इतने एक्सपेंसिव होते हैं और हर कोई अपने लाइफ में कुछ ही ब्रांडेड सामान लेता है, फिर बार बार पहनता है, तो इसलिए ना दुकान वुकान ज़्यादातर खाली पड़े रहते हैं, लोग जाते ही नहीं है उधर। अभी मैंने सोचा है कि मैं कैफ़े जाऊंगी, और वो जो कैफ़े होगा वो बहुत ही क्यूट सा कैफ़े है, जहाँ पर मैं हमेशा सोचती हूँ जाऊँ लेकिन जाती नहीं थी। तो अभी वी आर गोइंग टू काकाओ फ्रेंड्स। कोरिया में जो काकाओ एप्लीकेशन है ना उसका ये है काकाओ फ्रेंड्स, बहुत बड़ा दुकान है, सामान भी मिलते हैं क्यूट, और कॉफ़ी शॉप भी है वो ऊपर। सो लेट्स गो देयर, लेट्स गो। बहुत ठंड है यार, फ्रीजिंग कोल्ड। वाह दिस इज सो क्यूट। कैफे के अंदर आते ही बहुत सारे क्यूट से भालू भालू। वाह यहाँ पे सामान बहुत ही महंगे मिलते हैं यार। अभी मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ, इसकी ये है, फिर ऐसे मोबाइल कवर्स भी मिलते हैं काका, ये इमोटिकॉन्स है ना वो है। वाह ये कितना क्यूट है। हम डायरेक्ट जाते हैं कॉफ़ी शॉप में, इधर उधर टाइम जाया नहीं करते, लेट्स गो, कुछ क्योंकि खरीदेंगे नहीं। इधर से भी ना कुछ मैं ख़रीदना चाहती हूँ, यहाँ पे केक वेक भी है, तो हम ना ऑर्डर करते हैं क्रीगो रायन चॉक मैक्रोन पिंक से कार। चलो हम, और मैंने ऑर्डर दिया है ये वाला, चलो इधर वेट करते हैं। पीछे ना कैफे ऐसा है क्यूट सा, वेटिंग फॉर माई ऑर्डर, और ये बहुत ही क्यूट है इसकी रिंग। ओ ये आ गया, लेट्स गो। ये कितना है,
तो ये क्यूट सा मैकरोन है और कितने खूबसूरत है, पीने में पता नहीं कैसी होगी लेकिन चॉकलेट फ्लेवर होगा इसका। चलो अभी ना हम इसको ट्राई करते हैं। ये Let's taste this one. It's mint chocolate. अच्छा है। मैंने ड्रिंक जो है ना बाहर ही खड़े होके जल्दी से पी ली क्योंकि यहाँ पे बहुत रश है, बहुत लोग थे तो मास्क उतार के खड़ा नहीं रह सकते एक जगह पे क्योंकि कॉफ़ी शॉप बंद हो गया था। तो अभी बस मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। खुदा हाफिज़। बाय बाय। इतनी रश है यार, कहाँ से आ रहे इतने लोग।